दोन संख्या परत करत नाही ना तुम्ही, यांना स्वतः आशिष पाटीलची माणसं, यांना तर हात नाही लावून देत म्हणून तर मला बसून ठेवलाय. आजही तुमच्या समोर सांगते हे सगळे त्यांच्याकडे एक रुपया सगळे पिंटू आवाड इर्षाद शैजाद अर्षद चौधरी महमूद दोन तपासून शमशेर साबी सगळे हे सगळा पैसा गोळा कोण करतोय? स्वरूप खान हे सगळे त्यांची माणसं, नमस्कार. मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ. एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सुनने और देखने के बाद मैं आपके होश उड़ जाएंगे. एक ऐसा सहायक आयुक्त जो पद पर बैठा है लेकिन वो अपने आप को व्यवस्था बता रहा है. वो बता रहा है कि उसके हाथ पैर कितने काट दिए गए हैं. वो बता रहा है कि चोरी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बड़े अधिकारी चोरी में लिप्त हैं. वो नाम बता रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार इस भ्रष्टाचार में इस तरह के काले कारनामे होते हैं. आशीष पाटिल जो अतिरिक्त आयुक्त है महानगर पालिका में, उनका नाम लेकर ये सहायक आयुक्त बोल रहा है. ये सहायक आयुक्त कौन है? मोहन शंके. ये वीडियो जिसने बनाया उस व्यक्ति की बात भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए वीडियो जिसमें काले कारनामों की सच्चाई आप अभी सभी के सामने आएगी और सुनने के बाद होश उड़ेंगे. लगातार आशीष पाटिल पर आरोप लगते ही रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी जब आरोप लगाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर भ्रष्टाचार किस प्रकार उबाल मार रहा है और हम सबके सामने आ रहा है. जरा देखिए वीडियो. युवराज नाही आहे कामावर. आशिष पाटील सांगितलं, साहेब माझे बॉस तुम्ही आहे, तुम्ही त्याला घरी बसवा ना. भाई क्या बोलता सर, वो ऐसा काम पे नहीं आ रहा, सरकारी काम पे तो ऐसा काम पे नहीं आ रहा, तो उसको ऑप्शन नहीं ले सकते. ये आपको नहीं मालूम है, ये हमारे बॉस लोग हैं ना, हमारा उनका कैसा कट्टर करेंगे, फायदा उनका रहता है ना उसमें. मालिक मेरे को एक बोलो, मेरा बॉस कौन है? आशीष पाटील. भाई कंप्लेन किसको करूँगा? आशीष पाटील. उसके ऊपर मैं लेटर दिया साहब को, साहब ने एक्शन लेना चाहिए ना. फिर सरकारी काम कर रहा है तू, छुट्टी पाँच पाँच छः दिन करेगा तो गुना दाखिल करना होगा. इंजिनियर का बोलते हैं बांधकाम करे. मेरे को बोलो, आपल्याला जर आपल्याला समजा कार्यकर्ता म्हणून ठेवला आहे आणि ह्याला अध्यक्ष केले, ह्यांच्या पत्रावर तुम्ही अध्यक्ष म्हणून सही करतील का? जर त्याला सार्वजनिक बांधकाम गटरसाठी ठेवलं आहे तर तो अनधिकृत बांधकाम कसं सही करेल? उद्या काही घडलं मग तू कशाला जबाबदार? हे साहेब मला सांग, मी साहेब त्यांना कसं घेऊन फिरणार? ते येणार का माझ्या तोडीला? त्यांना जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही लाडला ऑर्डर करा ना. तशी त्यांचा मेन बॉस कोण आहे? लाड ऑर्डर देईल त्यांना. तात्पुरते ते रजेवर आहेत, त्याच्यामुळे तात्पुरता चार्ज तुम्ही सांभाळा. तुम्ही द्या ना ऑर्डर, तशी मी नाही देऊ शकत ना तशी ऑर्डर. मला अधिकार आहे का तो? आज भेटू नको त्याला मी, आता मला काम करण्यात मजा नाही आहे. ही माणसं कोणाची? ती कोणाची? आशिष पाटाला विचार ना, ही माणसं कोणाची? ह्यांचे पडा ना सगळे. तुम्ही या ना स्वतः अतिरिक्त आयुक्त म्हणून. त्यांचेच पाडायला मध्ये ना तुम्ही सांगा ना. नाही नाही, त्यांना सांगा तुम्ही या स्वतः विचारा. अतिरिक्त मोहन संघे परत करत नाही ना, तुम्ही या ना स्वतः. ती आशिष पाटीलची माणसं, हे आशिष पाटीलची माणसं, यांना तर हात नाही लावून देत म्हणून तर मला बसून ठेवलाय. आजही तुमच्या समोर सांगते हे सगळे त्यांच्याकडनं एक रुपया सगळे. तुम्ही जे नाव दिलेत ते पिंटू आवाड इर्षाद शैजाद अर्षद चौधरी महमूद दोन तपासून शमशेर साबी सगळे हे सगळा पैसा गोळा कोण करतोय? आपला आमचा इंजिनियर कोण? युवराज. युर नाही सांगतो तुझं नाव काय ना, त्याच्या आधी होता तो स्वरूप खान होतो. हे सगळे त्यांची माणसं, यांच्या मार्फत तर सगळे पैसे जात. तो कारवाई क्यों नहीं कर रहे फिर ऐसा? मैंने कारवाई किया तो कितना तकलीफ हुआ मेरे को मालूम नहीं. तो अभी क्या करना? कंपाउंड में मैं क्या बोलता आप जाने का? साहब एक काम करो, साहब आएंगे तो मैं कारवाई करता हूँ. आप बोलने का कि साहब तुम्ही या स्वतः कारवाईला, आम्ही तुमचा तुम्ही धारावी केली नाही यांच्यावर सगळ्यांवर, आम्ही तुमचं मंत्रालयात हे पाठवू पत्र की उत्कृष्ट काम केले म्हणून. या तुम्ही समोर मोहन संघे करता ना, तुम्ही चला सर. तुम्ही करतात ना उमर कंपाऊंडला, तुम्ही केलं ना एक बांधकाम कंपाऊंड में कितना अनलीगल काम चालू उमर कंपाऊंड काय बोलतो पहिले सुन ना. उमर कंपाऊंड तुम्ही एक स्वतःहून केली ना, संख्येला कळू दिले नाही ना. चला तुम्ही या ना सर. भाई मंत्रालय में देना ही पड़ेगा ये अपने को, जैसा अपन इधर दे रहे ना मंत्रालय में देना ही पड़ेगा. जाओ ना ना कल मंत्रालय तेरे से जाओ क्या साड़ी मिस कल जाओ ना. सुना आपने, ये था ये पूरी हकीकत वाला वीडियो. इस वीडियो को बनाने यानी स्टिंग ऑपरेशन करने वाले अल्ताफ
संयत से हमने बातचीत की। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया इस वीडियो के बारे में, जरा वो भी सुनिए। उस वीडियो में ऐसा था कि मैं दो चार बार नगर पालिका में लेटर दिया और उधर अनलीगल काम इतना चालू है, ये लोग जो बिल्डर उधर के झाड़ वाड़ काट के पर्यावरण को नुकसान दे रहे और बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री डाल रहे, तो मैंने उसके खिलाफ लेटर दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे को दो चार बार बोले कि ठीक है करते, मगर कुछ किए नहीं। तो मैंने एक वीडियो बनाने सोचा लोग का, और वीडियो बनाया तो उसमें जो खुल के सामने आया तो उसमें तो मैं हिल गया सुन के। मोहन संघ के जो वहाँ के एफ प्रभात सिंह की एफ के सायुक्त जो मोहन संघ के है, उन्होंने ये बोला था कि जो इधर का पैसा है, जो इधर के बिल्डर लोग है, अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल वो लोग को हाथ लगाने नहीं देता है और कुछ कार्रवाई करने देता है नहीं। मैंने एक बार कार्रवाई किया था तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, और इधर का पूरा पैसा उनका इंजीनियर अच्छे नाम है उनका, वो जमा करके आशीष पाटिल को देता है। और जो ऐसे सरकारी भ्रष्ट ऑफिसर है वो लोग पे जांच बैठना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सायु एक सरकारी ऑफिसर उनके खिलाफ आरोप लगा रहे, तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। मैंने अपनी मांग को मंत्रालय तक पहुँचा दिया है, जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उमर कंपाउंड पे और ये ऐसे भ्रष्टाचार ऑफिसर थे, जब तक मैं शांत बैठूंगा नहीं। और अभी आयुक्त साहब से भी मेरी बात हुई है, आयुक्त साहब ने बोले देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये पूरे भ्रष्टाचार की पोटली आप सभी के सामने हमने रख दी। अब आप तय करिए कि इस समाज में इस तरह के लोगों को जो अधिकार दिया जाता है हमारे बीच में काम करने के लिए, उनके साथ किस प्रकार का हश्र होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए, यह आप तय करिए। आज के लिए इतना, नमस्कार।